हेलो दोस्तों, शरारती और नटखट जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में बंदर का ही ख्याल आता है। हमने इसे पेड़ों पर उछलते कूदते देखा है तो मदारी के इशारों पर करतब दिखाते हुए भी। कई फिल्मों में अपने कारनामों से इसने हमें खूब हंसाया भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर जितना नटखट है उतना ही बुद्धिमान भी। ये अंकों को समझ सकता है और गिन सकता है, यहाँ तक कि ये गणित के कई सवालों को हल भी कर सकता है। एक दूसरे को सवारते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शीशे में खुद को पहचान भी सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बंदरों के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आपको हैरानी तो होगी ही, साथ में मजा भी खूब आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, आपसे बातचीत करने के लिए बंदर अपने चेहरे के हाव भाव, शरीर के हरकतों और आवाजों का उपयोग करते हैं। नंबर टू, दोस्तों पेड़, घास के मैदान, पहाड़, जंगल और ऊंचे मैदान सबसे आम जगह है जहाँ बंदर रहना पसंद करते हैं। नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि बंदर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों दुनिया भर में बंदर की लगभग 264 प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर फोर, बंदरों को मेनली टू कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी पुरानी दुनिया के बंदर, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। दोस्तों ऐसी प्रजाति जो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी नई दुनिया के बंदर, न्यू वर्ल्ड मंकी। दोस्तों अमेरिका में पाए जाने वाले बंदरों को न्यू वर्ल्ड मंकी कहा जाता है। नंबर फाइव, बंदर के बारे में यह कहा जाता है कि ये धरती पर लगभग 50 लाख सालों से मौजूद हैं। नंबर सिक्स, स्पाइडर मंकी यानी मकड़ी। बंदर के पूंछ इतने मजबूत होते हैं कि इससे ये अपने पूरे शरीर का वजन उठा सकते हैं। नंबर सेवन, दोस्तों इनकी सभी प्रजातियों में से हॉलर मंकी की आवाज़ सबसे तेज होती है, जिसे 3 मील की दूरी से भी सुना जा सकता है। नंबर एट, बंदर और मदारी की कहानी आपने तो जरूर सुनी होगी और हो सकता है देखा भी हो। सर्कसों में बंदर का उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। नंबर नाइन, कई लोग बंदर को पालते भी हैं और बंदर भी अपने मालिक के प्रति वफादार और करीबी होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक अजीब सी घटना देखने को मिली है, जहां मालिक की मौत के तुरंत बाद बंदर ने भी अपनी जान दे दी और दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। नंबर टेन, हर साल 14 दिसंबर को बंदर दिवस मंकी डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर 11, बंदर एक मात्र ऐसा जानवर है जो हम इंसानों की तरह केले को छीलकर खाता है। नंबर 12, दुनिया की सबसे तेज बंदर की प्रजाति को पादस मंकी कहा जाता है, जो कि जमीन पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। नंबर 13, मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के पेड़ से नारियल को तोड़ने के लिए बंदरों को ट्रेंड किया जाता है। नंबर 14, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां पर बंदरों को वेटर की तरह उपयोग किया जाता है। नंबर 15, बंदरों की कुछ प्रजातियां रंगों को देख सकती हैं, जबकि कुछ प्रजाति ऐसे भी हैं जो केवल काले और सफेद रंग को देख पाते हैं। नंबर 16, दोस्तों क्या आपको पता है कि बंदर की उम्र कितनी होती है? एक बंदर की उम्र प्रजातियों के आधार पर 10 से 50 वर्ष तक होती है। नंबर 17, चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ शारीरिक और मानसिक बदलाव होता गया और बाद में हम इंसान बन गए। नंबर 18, दोस्तों क्या आपको पता है कि बंदर और इंसान के डीएनए 98% आपस में मैच करते हैं। नंबर 19, सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? दोस्तों बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम मैंड्रिलस स्फिंक्स है, जो कि 1 मीटर यानी 3.3 फीट लंबे और 36 किलोग्राम वजन वाले होते हैं। नंबर 20, बंदरों की उछल कूद देखने में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ये मुसीबत भी पैदा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किसानों की फसलों को बर्बाद भी कर देते हैं और कई स्थानों पर इनसे निपटने के लिए इन्हें पकड़ा भी जाता है। तो दोस्तों, बंदरों के बारे में ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड जीके वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।